डेली में सुबह सुबह गाने के हॉर्न की जगह अगर आपको चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई दे तो कैसा होगा? अगर इन ऊंची ऊंची बिल्डिंगों की जगह पर ऊंचे ऊंचे पेड़ हों तो कैसा होता? तो अब आप और आप तो समझ ही होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और आज का व्लॉग क्या होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। और आप पहुंच गए ओखला बर्ड सेंचुरी। तो जब आप यहाँ पर आओगे तो मेट्रो स्टेशन आपका ये रहा। आपको ये जो रूट देख रहा है मेरे पीछे, इस ब्रिज से इस साइड उतरना है, देन इस रूट से आपको डायरेक्ट 200-250 मीटर पैदल है, देन आप पहुँचेंगे ओखला बर्ड सेंचुरी पर। सो लेट्स कंटिन्यू। यहाँ आके मैंने इतना बड़ा पोपट कटा है, मतलब अपना कट चुका है प्रॉपरली, मैं खाली पेट आया हुआ और यहाँ मुझे खाने पीने की कुछ दुखाने नहीं है। और अकॉर्डिंग टू गूगल बाबा हमें अंदर लगभग 4-5 किलोमीटर चलना है क्योंकि बर्ड सेंचुरी में काफ़ी फैला हुआ है। तो अब भूख लगती है यार, चलो। तो कुछ दूरी पर ही हमें चाय मिल गई है और पेटीज अब इसे खाते हैं, चलते हैं। कैसे आपकी जैसे देख रहा था मैं तो ब्लॉक करते हुए क्या है आप कहते हैं ओखला बर्ड सेंचुरी। पहली बात आपको बता दूं यहाँ के ये 200-400 मीटर कुछ दूरी नहीं है इसकी, जस्ट वो रहा मेट्रो स्टेशन मेरे पीछे ये उंगली पे और थोड़ा सा आपको चलना है 100 मीटर आप सीधे यहाँ पहुँच जाएंगे। सेकंड, अगर आपको यहाँ आने का समझ में नहीं आ रहा तो आप ये मेरे पीछे बिल्डिंग देख लो, सुपरनोवा की बिल्डिंग है ये, बॉटेनिकल से भी दिखती है और काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है तो दूर से दिख जाती है, जस्ट इसके बगल पर ही है, वॉकिंग डिस्टेंस पर है बिल्डिंग भी, तो आप यहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। अब करते हैं एक्सप्लोर इस ब्यूटी को हर बार की तरफ। टिकट ऑफ दिस ओखला बर्ड सेंचुरी जो मुझे पड़ी है 30 रुपये की यहाँ पे फ्रॉम दिस टिकट सेंटर, एज यू कैन सी मेरी उंगली के यहाँ पे, वहाँ पे 30 रुपये की आपको मिल जाएगी। तो मेरे आगे जो वहाँ पे 2-3 बंदे खड़े हुए थे उनसे उन्होंने पूछा कि आपको DSLR है, उनका नहीं, किसने कहा हाँ, मैं उन्होंने पूछा ही नहीं भाई, शकल ही नहीं है अपनी DSLR के, अपन 30 रुपये वाले फ़ोन वाले हैं तो ले लेंगे बहुत जल्दी। और अगर आप यहाँ पर कैमरा वगैरह लेके आते हो अपना DSLR या और जो कैमरेज होते हैं वो लेके आते हैं तो उसके लिए आपको 500 रुपीज़ पर पर्सन देना पड़ेगा, वरना आपका 30 रुपये की सिंगल टिकट है। बिफोर टॉकिंग एनीथिंग अबाउट दिस प्लेस, जब मैं यहाँ पर आया तो मेरी आंखें ना थोड़ा सा स्लीपी हो रही थी क्योंकि मैं कल रात बिल्कुल भी नहीं सोया हूँ। और मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं यहाँ आ रहा था तो मेरी आंखें ना बहुत दर्द कर रही थी नींद की वजह से और मुझे लग रहा था कि आज ब्लॉग कैसे हुआ, बहुत सारे सवाल मन में चले थे, लेकिन और यहाँ आके ना मेरी आंखें पूरी खुल गई क्योंकि अभी जो मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैंने आपको दिखा दिया सामने का व्यू आप यकीन नहीं मान पाओ कि मैं दिल्ली से ब्लॉग कर रहा हूँ, गोवा वाली फीलिंग आ रही है बहुत। तो देखते हैं, ये है मेरे सामने का देखो नज़ारे। हाय 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 हाय, क्या नज़ारे हैं बॉस। वेट 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 वेट, ओए होए पीछे के नज़ारे देखोगे बॉस। और यहाँ पे जो है ना लोकेशन मेरी, देखो इधर बैठने वाला बना है, बढ़िया करके अपन इधर बैठेंगे और ऐसे ना मतलब नज़ारे का फील लेंगे वो, ये थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि ये भी पानी कोई होए, जैसे अपन इसमें आराम से बैठेंगे और पीछे के नज़ारे फील है, इधर आप मछली वगैरह तैर रही है, थोड़ा अभी बत्तख वगैरह नहीं दिख रहे मुझे यहाँ पे।
इधर निकल के ना मतलब ऐसे फील इतनी बढ़िया आ रही, तो इधर आके मैंने सबसे पहले अपने फोटोग्राफी जो अंदर कीड़ा था ना उसको पूरा बाहर निकाला और दबा के फोटो खींची है नेचर फोटोग्राफी की, दबा के आपको मिलेंगी मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, लिंक आ रहा होगा डिस्प्ले पे। तो बहुत फील है इधर समुद्र साइड में तुम्हारा, मैं तो इसे समुद्र ही कहूँगा, आप इसे लेक वगैरह कुछ और नाम दे, लेकिन अपने लिए समुद्र ही है। तो बढ़िया एकदम चिड़ियों की आवाज़ की, इतने मज़े से चलते रहो और नज़ारे लेते रहो। चलो लगभग 11-12 ऐसे चेयर छोड़ने के बाद मुझे बैठने की जगह मिली। जैसा मैंने इस जगह के बारे में यूट्यूब या गूगल में देखा था कि जगह कपल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, मतलब कपल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, मुझे लगा फेक होगा, सब ऐसे बनाते होंगे व्यूज़ वगैरह के लिए, लेकिन भाई रियलिटी है। मेरी चलते चलते हालत ख़राब होगी बस यहाँ पर, लगभग 11-12 मैंने ये चेयर छोड़ी है तब जाके मुझे बैठने की जगह मिली। अब अपन इधर आधा घंटा आराम फरमाएंगे, पूरा कब्जा मारेंगे इस पर, किसी को बैठने नहीं देंगे बॉस, क्योंकि मैं छोड़ ही नहीं रहे वो लोग चेयर। अब व्यू के मजे लेते हैं, आगे एक वॉश टावर है यहाँ पे, वहाँ पर जाएंगे और जगह का पूरा व्यू लेंगे। मुझे अभी दिख नहीं रहा है वॉश टावर, अभी दिखेगा तो आपको भी दिखाऊंगा, थोड़ी देर आराम करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा हम चल चुके हैं वहाँ से, और यहाँ पे मैं अकेला आया हुआ था, लेकिन हमें सर व्हाट्स योर गुड नेम, लक्ष्मण फ्रॉम आंध्रा, यस सर फ्रॉम आंध्रा, सो मिल गया हमें, अपनी थोड़ा इंग्लिश कमज़ोर है तो थोड़ा बहुत हो जाएगा मैनेज सर के साथ। तो प्रॉब्लम आई विल मैनेज। ओके तो अभी अप्रॉक्सिमेटली 2 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है, एंड हाउ मच आई डोंट नो रियली, वी बोथ डोंट नो हाउ मच इज, बट वी नीड टू डू लास्ट पॉइंट बिकॉज वॉश टावर है वहाँ पे, एंड द व्यू इज वॉज वेरी अमेजिंग फ्रॉम द वॉश टावर। सो नंबर 1 and 2, एंड इफ यू गो देयर टॉयलेट मतलब इस जगह का जो फील है ना बहुत ऐसे आओ आप नेचर की, जिस टाइप जो बेंचेस बने हुए हैं सब बैठो आराम से, 2-4 घंटे स्पेंड करो अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अकेले मत आना, काफ़ी बोरिंग है, मैं तो बोरिंग फील कर नहीं रहा क्योंकि आप लोग साथ फिरे, तो बहुत बड़ा फील आएगा आपको नेचर के साथ। मतलब डेली जैसे जगह में अगर इस साइड आते हो ना आप, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन भी आओ, इन्जॉय करो, लेट्स एक्सप्लोर द बिटिया। मुझे वेट है सिर्फ वॉश टावर जाने का, क्योंकि वहाँ से जो व्यू आता है ना बॉस एक नंबर आता है। फिलहाल ब्लॉग में अपनी इंग्लिश थोड़ा इधर उधर हो जाती है, तो मैनेज कर लेना, अभी शुरुआत की हमने, सीखने से ही तो आएगी, बिना सीखे तो कुछ आएगा नहीं। यस देखें दिस सेट रिकॉर्डेड, ओके यस श्योर, ओ वाओ सच अ गुड प्लेस, लुक एट द व्यू। फाइनली वी गॉट इट, दिस इज वॉश टावर 1 एंड अनदर 1 वॉश टावर 2 बिसाइड्स द ग्रास। बोलो ना इंग्लिश आ रही बार बार अंदर से बाहर को निकल के आ रही है अपनी इंग्लिश आज, क्योंकि कंपनी मिल चुकी है आज तो थोड़ा सा। तो वॉश टावर 1 पे चलते हैं, फिर जाएंगे वॉश टावर 2 पे, देखते हैं यहाँ से जो व्यू आता है किस टाइप का है। इसके लिए 3-4 किलोमीटर ट्रैक किया है, वहाँ पहुँचे हैं, ये है वॉश टावर। इस चीज़ के लिए जाना जाता है प्लीज बर्ड सेंचुरी, इसलिए कि यहाँ पे फोटोग्राफर्स वगैरह आते हैं और फोटोज वगैरह लेते हैं, अपन ऐसे फ़ोन से इतना ज़्यादा यहाँ पे कि ब्यूटी को इतना दिखा नहीं पाएंगे, इसलिए यहाँ पे मतलब डेली मैंने 2-3 फोटोग्राफर ऐसे देख लिया यहाँ पे, तो दिस इज़ द ब्यूटी भी है। तो कर देखिए ग्रेट मीटिंग विद सर, पीछे आप देख सकते हो उसमें मैंने काफ़ी देर बात करी यहाँ पे, ऑन कैमरा नहीं ऑफ कैमरा हमने बात करी, उन्होंने मुझे टिप्स बताई और फोटोग्राफी, ओके तो काफ़ी ज़्यादा फोटोज हमने क्लिक कर ली यहाँ पे, बहुत बढ़िया दिन रहा। तो मैं बात कर रहा था आपसे फोटोग्राफी के बारे में, तो फोटोग्राफी के लिए जो बेस्ट टाइम होता है गोल्डन आवर जिसे बोलते हैं हम, वो होता है मॉर्निंग एंड इवनिंग का टाइम। मॉर्निंग से जब सूरज उगता है मतलब 1 घंटा बाद, और शाम को जब ढलता है उसे 1 घंटा पहले, क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस फोटोग्राफर है, उन्होंने मुझे बताया कि जब सूरज उगता है तो जो रेज होती है ना वो आपकी मतलब
फेस पे ऐसे एकदम डेथ रेज बोलते हैं, मतलब ऐसे सीधा पड़ती हैं, तो उस टाइम पे फोटोज़ काफ़ी अच्छी आती हैं, और दिन में जो होती है उस पर परपेंडिकुलर पड़ती तो वो फोटोज़ ख़राब आती हैं, ऐसा वो बता रहे थे। अगर उन्होंने मुझे प्रैक्टिकली बताया कि उन्होंने मुझे दो फोटोज़ दिखाई, एक फ़ोटोज़ उन्होंने मॉर्निंग में ली थी सेम लोकेशन से, और एक फ़ोटोज़ उन्होंने अभी ली थी सेम लोकेशन से, तो दोनों में अंतर काफ़ी ज़्यादा आ चुका था। तो ये फैक्ट है फोटोग्राफी का, मैं भी ट्राई करूँगा दिस टाइम फोटो लेने का, मॉर्निंग जल्दी उठ के और शाम को ढलने से पहले। आपके लिए भी टिप्स है। सो बर्ड सेंचुरी हमने कंप्लीट विजिट कर ली है, हम वॉच टावर 1 पे गए, 2 पे नहीं गए, क्योंकि दोनों सेम हाइट के थे, व्यू सेम आते वहाँ से, जो हमने चीज़ें शूट करनी थी कर ली। तो देखो ये प्लेस बनाया दो तरह के लोगों के लिए, फर्स्ट कपल्स के लिए, और सेकंड बनाया भाई फोटोजेनिक लोगों के लिए, जिनको फोटोग्राफी पसंद है, नेचर पसंद है, उनके लिए पता है। तो हमने तो खूब फोटोग्राफी करी यहाँ पे, अपनी नहीं नेचर की करी भी है, सर के साथ करी जो पीछे से आ रहे हैं, वो जो फोटोग्राफर थे उनके साथ करी, उनसे काफ़ी कुछ सीखा, कुछ फैक्ट जाने फोटोग्राफी के, ऑन कैमरा नहीं ऑफ कैमरा, क्योंकि कैमरा के सामने एकदम बंदा शाही फील करता स्टार्टिंग में। वो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर कलकत्ता से आए हुए थे, तो काफ़ी अच्छा रहा हमारा, वहाँ के लिए आते रहेंगे। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, अगर आपको लोकेशन पसंद आई तो विजिट एक बार ज़रूर करना, अगर कपल वाले हो तो भैया साथ में आ जाना, अगर सिंगल हो तो हमारे तरफ अकेले आ जाना, रास्ते में आपको मुसाफिर ऐसे मिलते रहेंगे दोस्त। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग अस टुडे, मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग के साथ, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दिस इज साइनिंग ऑफ देव 360।